और अब बात देवस्थानम बोर्ड की, जिसको लेकर उत्तराखंड की सियासत पिछले कई महीनों से गर्म थी। विपक्ष मुद्दा बना रहा था, सरकार पर हमला बोल रहा था, लेकिन त्रिवेंद्र सरकार के साथ शुरू हुए इस चैप्टर को आज धामी सरकार ने खत्म कर दिया। धामी सरकार के इस फैसले से हर कोई खुश है, सिवाय विपक्ष के, जिसके हाथ से एक बड़ा मुद्दा छिन गया। बाईस की जंग, देवस्थानम बोर्ड भंग। चुनाव से पहले धामी सरकार का बड़ा दांव। जिस देवस्थानम बोर्ड को लेकर देवभूमि का सियासी पारा पिछले एक साल से सातवें आसमान पर था, उस देवस्थानम बोर्ड को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भंग कर दिया है। हम लोग पूरे काम कर रहे हैं, उत्तराखंड राज्य में निर्भर कर रहे हैं, किसी वजह से कोई काम नहीं लगा है। कुछ लोग केवल चुनाव के लिए यहाँ पर अपने एजेंडे सेट करते हैं। आपको बता दें कि देवस्थानम बोर्ड का गठन पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया था, जिससे चार धाम समेत 51 बड़े मंदिरों का अधिकार छिन गया था। लेकिन ये फैसला साधु संतों को इतना नागवार गुजरा कि एक बड़ा आंदोलन शुरू हो गया, जिसे विपक्ष ने खूब खाद पानी दिया। लेकिन अब जब ये बोर्ड भंग हो गया है, तो विपक्ष के हाथों से एक बड़ा मुद्दा निकल गया है। हारी हुई मनोवृत्ति से काम कर रही सरकार चुनाव में आसन हार को देखकर घबरा कर उठाया गया कदम है। आदरणीय तीर्थ पुरोहितों की एकता की जीत है, ये कांग्रेस पार्टी के संघर्ष की जीत है। हम पहले दिन से, जब से देवस्थानम बोर्ड का एक्ट ये लोग लाए, सरकार लाई, सरकार घमंड में थी, सरकार दंभ में थी, सरकार अपने बहुमत का दबाव देकर इस एक्ट को लाई। आखिरकार सभी तीर्थ पुरोहितों का संघर्ष काम आया और इस अहंकारी सरकार को ये देवस्थानम बोर्ड का जो बिल है वो वापस लेना पड़ा। हालांकि मुख्यमंत्री धामी ने विपक्ष से राजनीति छोड़ इस फैसले का स्वागत करने की अपील की है। पिछले दिनों देवस्थानम बोर्ड को लेकर लगातार विभिन्न विभिन्न प्रकार के सामाजिक संगठनों ने, तीर्थ पुरोहितों ने, हक हकूकधारियों ने और जो पंडा समाज के लोग हैं, तीर्थ पुरोहित समाज के लोग हैं, विभिन्न प्रकार के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमने सभी से बात करी है। हमने सारे विचारों पर, सारे पहलुओं पर सारा विचार करते हुए हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हम इस अधिनियम को वापस ले रहे हैं। धामी सरकार के इस फैसले से साधु संतों की खुशी लौट आई है, सभी इस फैसले का दिल खोलकर स्वागत कर रहे हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या देवस्थानम बोर्ड भंग करने से धामी के लिए 22 का रास्ता साफ हो जाएगा, क्योंकि साधु संतों के लिए देवस्थानम नाक की लड़ाई थी, जिसको लेकर त्रिवेंद्र सिंह रावत की कुर्सी तक चली गई। जब पीएम मोदी नवंबर में केदारनाथ दौरे पर पहुंचे, तो साधु संतों ने उनका विरोध भी किया। हालांकि सीएम धामी के समझाने के बाद पुरोहित मान गए थे और अब तय वादे के मुताबिक धामी ने देवस्थानम के चैप्टर को ही खत्म कर दिया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ये चैप्टर खत्म हो गया है या फिर एक नए अध्याय की शुरुआत है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।